धन्यवाद. थैंक यू श्री नरेंद्र बुडानिया. माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया. And the instructions are they will not stand. They are citizens. The chair will consider. We will discuss that, and I don't know who made that rule, but finally. It's a wrong rule. So, yeah, he has a point in what is. Narendra ji. Sabhapati Mohode, मुझे बहुत खुशी है कि मैं 9 वर्ष पहले इस सदन में आया, और इन 9 सालों में मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला. मैं जब राजनीति में आया सन 1981 में, जब मैं सरपंच बना ग्राम पंचायत का, और उसके बाद मैं 3 बार लोकसभा का सदस्य रहा, मैं राजस्थान की विधानसभा का सदस्य रहा, और मैं इस महान सदन का सदस्य रहा. मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सीखने के साथ साथ मैंने बहुत सी चर्चाओं में भाग लिया, चाहे हमारा वो सदन हो लोकसभा का, और चाहे हमारी राज्यसभा का रहा हो. बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पे मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का मौका मिला. मुझे उन गरीबों की आवाज़ उठाने का मौका मिला जो आज आपकी हम सब की तरफ देखते हैं. मैं किसानों की बात कहना चाहता हूँ. मैंने चाहे लोकसभा का सदन हो चाहे ये सदन हो, मैंने किसान की बात को बहुत हर वक्त हर समय जब भी मौका मिला मैंने किसानों की बात को उठाया, और आज भी मैं सदन को कहना चाहता हूं, आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान आपकी तरफ देख रहा है, आप किसान की मदद की दिशा में आप कुछ सोचें. आज वो देख रहा है कि मेरी फसल का भाव मुझे नहीं मिलता, इसके ऊपर आपको फिर विचार करना चाहिए. ठीक. मैंने युवाओं की आवाज़ को भी उठाया. मुझे बहुत खुशी है कि मैं 18 वर्ष के उम्र के नौजवानों को वोट देने का राइट मैं जब लोकसभा का सदस्य बना तब मिला. पंचायत राज बिल जो है वो मेरे को उसमें चर्चा में भाग लेने का मौका मिला, संशोधन बिल जो राजीव गांधी जी हमारे बीच लेके आए थे. मुझे इसी सदन के अंदर जो हमारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक था, खाने का अधिकार, फूड का अधिकार जो दिया सदन ने, उसमें मुझे इनिशिएटिव करने का मौका मिला मेरी पार्टी की तरफ से. नरेंद्र जी टाइम. सर एक मिनट और लूँगा. सर एक मिनट और लूँगा. सर मैंने अभी कुछ सदस्यों से बातें सुनी, मुझे भी थोड़ा सा ये मन में थोड़ी सी तकलीफ है कि जब मैं चुन के आया था 1985 में जब लोकसभा के अंदर, तब 6 महीने के करीब लोकसभा चलती थी, सदन चलते थे, और धीरे 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 जो एक कमी आई है हमारे सदनों की बैठकों में, चाहे ये सदन हो चाहे वो सदन हो, वो एक चिंता का विषय है. आज इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए कि हमको जो इस यहाँ पर जो हम देश के लिए कर सकते हैं वो हमारी बैठ के कम नहीं होनी चाहिए. ठीक. एक बार फिर मैं मेरी नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस सदन में आने का मौका दिया. मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से गांव से आता हूँ. मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य हूँ. ठीक. और मैंने कभी सोचा भी नहीं सभापति जी कि मैं इस सदन का सदस्य बनूंगा. मेरे पास में मेरे नेता आदरणीय सोनिया जी का फोन आया कि आप जाइए और फॉर्म भरिए, तो मैं सोच भी नहीं सकता था. मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ. सभापति महोदय, मैं गुलाम नबी आज़ाद जी को और अरुण जेटली जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इन्होंने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया है.
मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, हालांकि मैं आपके आने के बाद पहली बार बोल रहा हूं लेकिन फिर भी आप जो है, फिर भी आप जब हमारी तरफ बैठते थे तब मैं आपको सुनता था, जब आप मंत्री बने तब मैं आपको सुनता था, और अब यहाँ आप बैठे हैं तो मैं सोचता मैं ज्यादा सुन नहीं पाया आपको, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद नरेंद्र जी, धन्यवाद। सर एक बार, सर मैं अधूरा रह जाऊंगा, मैं एक बार फिर मेरे सदन के सारे सामान्य सदस्यों का हृदय से उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका हमेशा मुझे सहयोग मिला, चाहे वो उधर के बैठे हैं चाहे हमारे इधर के बैठे हैं, सबका मुझे लाड़ प्यार मिला। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस सदन में जो बहुत से मेरे वरिष्ठ नेता बैठे हैं जिनके साथ मैंने चाहे यूथ कांग्रेस के रूप में काम किया हो चाहे कांग्रेस के रूप में काम किया हो, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं मेरी नेता सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए धन्यवाद।